तेज पानी पड़ रहा था हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। और जैसे कि आप सब लोग को मालूम है, मैं आई हुई हूँ बालाजी। तो अब हम लोग हो गए थे रेडी, और जिन्होंने भी मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है फटाफट से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ हम रेडी हो गए थे, जैसे ही हम रेडी हुए थे जाने के लिए यहाँ पर हो गई थी बहुत ज़्यादा बारिश। और काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हमें निकलना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। ज़्यादा लेट करेंगे तो हमें आगे भी और जगह जाना है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो होटल से निकलते ही हमें ऑटो मिल गया था, क्योंकि आगे कार नहीं जाने दी जा रही थी। यही होटल के आगे से ही बैरियर लगा दिए गए थे कि कार आगे नहीं जाएगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। तो आगे शायद पानी वगैरह भी भरा हुआ है, और इतनी बारिश में हम पैदल भी नहीं जा सकते थे होटल से। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है बालाजी का दरबार, बट हम पैदल नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों ने कर लिया था ऑटो। और ऑटो में मज़े करते हुए हम लोग दरबार पे पहुंचे, और वहां जाते ही इतना बुरा हाल हुआ है कि बस आप आगे देखिएगा क्या हुआ है आगे। थोड़ी दूर पे ही ऑटो ने हमें उतार दिया था, उसके बाद से हम गए थे पैदल। और आप ये हालात देखिए, हालांकि भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, दर्शन हमें बहुत जल्दी हो गए थे, 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमें दर्शन हो गए थे। लेकिन हालात यहाँ बाहर इतना बुरा हाल है, इस तरीके से कचरा पड़ा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं जिसका पानी रोडों पर आया हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। बारिश की वजह से भीड़ तो ज़रूर कम है, लेकिन आए हुए लोग तो होंगे ही, जो मतलब होटल से नहीं निकले होंगे या फिर यहीं के खड़े हुए हैं। बट यहाँ बहुत बुरा हाल है, मतलब हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं इस टाइम बारिश में ये हाल होता है। ठीक है, हर जगह होता है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पता है क्या होती है, हम इन्हीं पानी में से होते हुए दरबार में जाते हैं, जबकि बहुत गलत है। भगवान को इतना शुद्ध माना जाता है, और इस तरीके से हम इस तरीके से जा रहे हैं तो दर्शन का क्या ही यार फ़ायदा हुआ। तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा मेरा मन अपसेट हुआ था कि यार ये सब गंदा पानी है, यहाँ का नालियों का पानी आ रहा है, मतलब बहुत गंदा पानी था फिलहाल वहाँ का। तो यही है कि थोड़ा सा अगर जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे साफ़ सफ़ाई हम लोगों को ही देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग तो देखो ये इतनी गंदगी नहीं फैलाने वाले ना। हम लोग जाते हैं वहाँ, जाके खाया पिया वहीं फेंक दिया, बॉटल्स हैं, डब्बे हैं, सब कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ था। इस चीज़ का यार थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और इसमें से दर्शन करने हम ही लोग जाएंगे, लोकल लोग इतना दर्शन नहीं करते होंगे ना, इतना ज़्यादा जाते होंगे, उन्होंने तो बाहर अपनी शॉप पे बैठना है। तो कोशिश यही कीजिए यार, जाओ तो ये सब गंदगी ना ही फैलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ये आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत नॉर्मल सी भीड़ थी, मतलब ऐसे मंदिर में इतनी भीड़ तो खैर चलती है। तो यहाँ से प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल गए थे दरबार की ओर। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडन कुंचित केसा, बज्रण ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज हरि धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा,
भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई जय हनुमान जय जैसे हम लोग दरबार की तरफ बढ़ रहे थे बारिश उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही थी। तो फिलहाल यहाँ पे अब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे और अंदर जाके ज़्यादा फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था तो जितनी मैं वीडियो बना पाई मैंने पूरी बनाई है और साथ में दर्शन भी ज़रूर कराए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बालाजी के भी दर्शन ज़रूर होंगे। तो यहाँ से मेन एंट्री हो जाती है। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको यहाँ के कुछ अलग तरीके के दृश्य देखने को मिल जाएंगे, हालांकि हमें बहुत ही कम देखने को मिले हैं। यहाँ पे बोलते हैं किसी के ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अपने आप यहाँ पे खेलने लगता है। तो मैं फिलहाल बालाजी फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे इन चीज़ों से थोड़ा सा डर लगता था तो मैं नहीं आती थी कि पता नहीं कैसे क्या है। बट यहाँ आके कुछ आप ये कह सकते हो कि बारिश की वजह से हमें उस तरीके की भीड़ नहीं मिली, बट जो भी मिला ठीक था, ज़्यादा ऐसा नहीं था। मेरी बेटी भी फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रही थी तो उसको भी लग रहा था ये सब क्या हो रहा है, बस भगवान इन लोगों की मदद करे। फिलहाल जो भी है तो यहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिनके ऊपर भी कुछ होता है कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से खेलने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें ये लोग करने लग जाते हैं। तो ये है मंदिर की मेन एंट्री। यहाँ से आप होते हुए मंदिर के अंदर जाएंगे, भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो मंदिर ऑलमोस्ट पूरा खाली था। तो हमारे लिए ये बारिश का थोड़ा सा प्लस पॉइंट हुआ कि हमें भीड़ नहीं मिली और दर्शन हमें बहुत ही आराम से हो गए थे। बाबू मेरा हाथ पकड़ो, आप सच में आप लंबे हो, आप ये था बालाजी का दरबार। और यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेत सरकार करके भी आई थिंक कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके अर्जी वगैरह लगती हैं। तो वहाँ का व्लॉग मैंने बना लिया था, थोड़ा सा वीडियो बन गया था। आप जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा श्री प्रेत सरकार करके था यहाँ पे। फिलहाल मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता था, यहाँ पे शायद अर्जी वगैरह लगाई जाती हैं जो भी है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा बज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए। दर्शन करके हम जैसे ही बाहर आए थे इतना तेज़ पानी आने लग गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ पानी आने लग गया था। आप देख सकते हो पूरी तरीके से हम लोग गीले हो चुके थे और लौटते वक्त तो ऑटो भी जल्दी नहीं मिल रहा था क्योंकि बैरियर लग गए थे, तो ऑटोज़ वगैरह को आगे नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि पानी भरा हुआ था उस वजह से। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर हम लोग की इतनी बुरी हालत हो गई थी इस पानी से ना कि हमें होटल पर जाके दोबारा नहाना पड़ा था। बारिश हो रही है
और उसके साथ पानी इतना, जो ये बाहर नालियों का निकला हुआ है ना, वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। बारिश का तो चलो नहीं था इतना, बट ये बारिश का जो ये पानी था ना नालियों का, ये बहुत गंदा लग रहा था। हमारे साथ दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, अभी स्कूल खुल गए हैं तो लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। दूसरा, सैटरडे वगैरह हो चुका था, हम बीच में गए थे तो हमें भीड़ नहीं मिली, और उसके बाद कह सकते बारिश की वजह से भीड़ नहीं मिली। और फिलहाल आप जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर के ठीक सामने मिलेगा आपको राम जी का मंदिर। जब बालाजी हैं तो राम जी का मंदिर तो मिलता ही है। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, भीड़ आप देख सकते हो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और इनके ठीक मंदिर के सामने ही आपको बालाजी के दर्शन हो जाएंगे। अगर भीड़ नहीं होगी तो हमने बाहर से ही कैप्चर कर लिया था, तो भाई भीड़ नहीं थी तो बालाजी हमें बिल्कुल साफ दिख रहे थे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भाई बहुत तेज पानी पड़ रहा था, हम लोग आ गए होटल में, अब कपड़े चेंज करके हम जाएंगे खाटू श्याम। पानी बहुत ज्यादा तेज हो रहा था, बस एक फायदा हुआ कि हमें दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, तो चलिए कपड़े चेंज करके मिलते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं खाटू श्याम के लिए, और अब यहाँ पे रुक गई है बारिश। दर्शन करने के बाद बारिश गई रुक, और बस बादल बहुत हैं। अब पता नहीं खाटू श्याम में हमारा क्या हाल होने वाला है, वहाँ बारिश मिलेगी या क्या है, मौसम ऐसी रहे बस बारिश ना मिले, क्योंकि दर्शन फिर बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं। कहाँ जा रही हैं आपसे बड़ा तो आपका बैग है। सो फिलहाल अब हम लोग निकल गए हैं खाटू श्याम के लिए। बालाजी के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे, बस बारिश का पानी की वजह से और जो नाली के पानी की वजह से मन थोड़ा सा ख़राब हुआ, वरना दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अब हम लोग निकल गए हैं बालाजी को प्रणाम करके आगे खाटू श्याम के लिए। अब हम जाएंगे खाटू श्याम, और जब से हम बालाजी से निकले ना गाड़ी में बैठे, तब से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। मतलब दर्शन के बाद होटल पर आ गए, थोड़ी सी देर के लिए बारिश रुकी और उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था, ठंडा हो गया था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं सफ़र किया जाता या गर्मी में ऐसी जगहों पे सफ़र नहीं किया जाता, तो हिल स्टेशन सही लगते हैं गर्मियों के लिए, बट यहाँ बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खाते पीते मस्ती करते हुए हम लोग पहुँच गए थे खाटू श्याम, जो टाइम का हमें पता ही नहीं चला था, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मौसम इतना अच्छा होता है तो सफ़र का पता ही नहीं चलता। तो फिलहाल अब हम पहुंच गए खाटू श्याम, मेन एंट्री कर रहे हैं खाटू श्याम की। अब हम बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग पहुंचे थे, बहुत मतलब भीड़ नहीं मिल रही थी यहाँ पे भी, और रास्ते में जाम हमें बिल्कुल भी नहीं मिला, ना भीड़ मिली, बारिश की वजह से सब खाली खाली था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा है। फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग खाटू श्याम। मैं खाटू श्याम भी फर्स्ट टाइम आई हूँ इस साइड पे, जयपुर वगैरह बहुत साल पहले घूम के गए थे, बट अभी हम इस रोड पे मैं बहुत सालों बाद आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो भीड़ है बट बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था खाटू श्याम में तो फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फिलहाल इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही थी। और ये है वो मेन गेट जहाँ सब लोग फोटो वगैरह खिंचाते ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहता है, बट बारिश की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते थे, ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकते थे, तो कार में बैठ के जितना भी कर पाया मैंने किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलिए हम खाटू श्याम फाइनली पहुँच गए, जो मैं इतने साल से कभी आज तक गई नहीं थी। यहाँ सब लोग अपनी रील्स फ़ोटोज़ बना रहे थे,
फिलहाल बारिश बहुत ज्यादा अच्छी थी। पहुंच चुके हैं खाटू श्याम और हालत आप देख चुके हैं, बिकट की बारिश हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है, पूरे रास्ते में पानी मिला है, बालाजी में खूब ज्यादा पानी मिला है। गाइस हम चुके हैं खाटू श्याम में बहुत बारिश हो रही है, तब से निकले हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ होटल और देखते हैं कि हम दर्शन आज करते हैं या कल। और अभी तो बज रहे हैं 2-2 बजे तक हम लोग यहाँ आ गए। बारिश की वजह से काफ़ी स्लो आ रहे थे, धीरे धीरे काफ़ी आना पड़ रहा था क्योंकि रास्ते में इतना पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। बस इस बारिश का एक बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, वो यही हुआ है कि हमें बालाजी के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। भीड़ तो थी ही नहीं, 10 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए होंगे, तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी है। पता नहीं अब खाटू श्याम में हमारा क्या होने वाला है, मे बी यहाँ पर भी भीड़ कम मिले जितना देख के लग रहा है, भीड़ ज़्यादा शायद है तो नहीं, बट चलिए देखते जैसे भी होता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।